प्रभो मधुबोध शक्ति विद्या प्रयत्स परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नारायण। श्री
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 6 प्राचीन प्रतियों में 5 श्लोक अतिरिक्त हैं। श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार विजयध्वज जी ने उन श्लोकों को समुद्रित किया है। गीता प्रेस से प्रकाशित अनुवाद सहित श्रीमद्भागवत के 804 पृष्ठ में टिप्पणी के रूप में ये 5 श्लोक समुद्रित हैं। प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को, मित्रों को उपदेश देते हुए कहा, हंतार्भका में श्रृणुत वचो सर्वत शिवम वयस्यान पश्यत मृतान क्रीडांधा मां प्रमाद्यथ न पुरा विवशं बाला आत्मनोर्थे प्रियैषिणः गुरुक्तमपि न ग्राह्यं यदनर्थेऽर्थकल्पनम् यदुक्त्या न प्रबुध्येत प्रबुध्येत सुप्तस्त्वज्ञान निद्रया न श्रद्धध्यानमतं तस्य यथान्दोह्यन्धं नायकः क शत्रु क उदासीन किं मित्रं चेह आत्मनः भवत्वस्वपि न येह किं स्याद्दैवं सम्पद्विपत्पदम् यो नहिं स्याद्धर्मकाममात्मनं मात्मानं स्वजनं वशः पुनः श्रीर्लोकयोरेतु स मुक्तान्ध्योति दुर्लभः। ये इनका संक्षिप्त भाव यह है कि ये मेरे बाल गोपाल मित्रों, सावधान होकर सुनो। मैं जो कह रहा हूँ, सर्वता शिवम सब प्रकार से शुद्ध है, कल्याणप्रद है, हितप्रद है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, इस तथ्य को ध्यान में रखो। मानव जीवन को क्रीडांध होकर व्यर्थ मत जाने दो। यदि गुरुजन भी मोक्ष मार्ग में परिपंथी होकर केवल नीति त्रिवर्ग का ही उपदेश करें तो वाद विवाद का परित्याग करके उनके वचनों में पूर्णता स्थापित न होकर स्वयं को मोक्ष मार्ग का पथिक बनाना ही चाहिए। अज्ञान निद्रा अनादिकाल से जीवों को प्राप्त है, उसी की परिपुष्टि में मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अंधों का नेतृत्व कोई अंधा करे तो अंधों की और नेता की क्या गति होगी। ऐसे ही अविद्या काम कर्म की किंकर्ता जिनके जीवन में सन्निहित है उनका अंधानुकरण करना उचित नहीं। आत्मदृष्टि से विचार करो तो का शत्रु का उदासीन कि मित्र है मित्रम चेह आत्मना। कौन शत्रु है, कौन उदासीन है, कौन मित्र है। त्यागव गाव उपेक्षणी अहिहाटक तृणकी नाई त्याज ग्राही उपेक्ष यतो अविद्या भूमि में कल्पित त्रिभेद हैं।
सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। गीता के 18वें अध्याय और श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद के अनुसार सर्वरूपों में सर्वभूतों में आत्मा को जो कि भगवत स्वरूप है सन्निहित देखना चाहिए। एकत्व दर्शन भव सिंधु से तारने में समर्थ है। जो मोक्ष की भावना से ही त्रिवर्ग का अविरुद्ध और अनुकूल ढंग से पालन करता है उसका लौकिक उत्कर्ष भी सुनिश्चित है। यदि वो चाहे तो देहत्याग के बाद परलोक भी जा सकता है, ऊर्ध्वलोकों में गमन कर सकता है, नहीं तो जीवन काल में ही अपवर्ग का पथिक होकर भगवान की आराधना के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अब यहाँ प्रहराद उवाच, प्रहराद ने कहा, कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, नश्वर होने पर भी पुरुषार्थ चतुष्टय का साधक है। व्यक्ति जीवन का सदुपयोग करे तो अपवर्ग मोक्ष निष्कर्म सिद्धि निश्चयस को भी प्राप्त कर सकता है। नश्वर जीवन का उपयोग और विनियोग अविनाशी परमात्मा की समुपलब्धि के लिए करना बुद्धिमत्ता है। ऐसा बुद्धिमत्ताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम अनित्यम असुखम लोकम मम प्राप्य भजस्व माम। इन भगवत वचनों के आधार पर यह तथ्य सिद्ध है। मनुष्य जीवन की विशेषता यह है कि भोग और अपवर्ग दोनों में इसकी गति है। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, हम जगत का भी श्रवण कर सकते हैं, भगवत तत्व का भी श्रवण कर सकते हैं, जगत का भी मनन कर सकते हैं, भगवत तत्व का भी मनन कर सकते हैं, स्त्री पुत्रादि का भी निधिध्यासन ध्यान कर सकते हैं, भगवान का भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं तदर्थे खिल चेष्टितम, उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति सब भगवद अर्थ होती है। सनातन सिद्धांत की बहुत उत्कृष्टता है, यत करोसि यदश्नासि यज्जोसि यदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुसमदर्पणम्। व्यवहार भी सहजता है लेकिन भगवदर्थ व्यवहार साथ होने के कारण परमार्थ की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। स्नान तो करना ही है लेकिन गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा क्षिप्रा सिंधु इन सब दिव्य जलधाराओं का स्मरण करके स्नान करें तो स्नान केवल भोग में प्रयुक्त न होकर भगवत प्राप्ति का बानक बन जाता है। भगवान को स्नान कराने की भावना से स्नान करें तो स्नान का उपयोग और विनियोग भगवत प्राप्ति में हो जाता है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं, भगवान को निवेदित
फिर प्रसाद रूप में अन्न का सेवन करना चाहिए। हे प्रभो, प्राप्त अन्न में, भोज्य पदार्थ में भूख मिटाने की क्षमता आपकी डाली हुई है, पुष्टि की क्षमता आपकी डाली हुई है, तृप्ति की क्षमता आपकी डाली हुई है, और आप ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के द्वार से अन्न बने हैं। रसात्मक सोम के माध्यम से और सूर्य के माध्यम से अन्न के परिपोषक और अन्न रूप में अभिव्यक्त भी आप स्वयं हैं, और वैश्वानर जाठरानल के योग से भोक्ता भी आप ही हैं। अन्न भी आप, अन्नाद भी आप। इस प्रकार का अनुस्मरण करके, चिंतन करके, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम क्रियाकारक फल, इन तीनों की ब्रह्मरूपता का चिंतन करके जब भोजन करता है तो भोजन केवल भोग में विनियुक्त न होकर भगवत प्राप्ति का बानक बना देता है। यह सनातन सिद्धांत की विशेषता है। नींद तो चाहिए, भौतिकवादी केवल थकान मिटाने के लिए नींद का आलम्बन लेते हैं। हम लोग भी निद्रा लाभ करते हैं, भगवान को योग निद्रा प्राप्त कराकर स्वयं सोने जाते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोते हैं, सुषुप्ति के गर्भ में भगवत भजन को डाल देते हैं, परावाक बना देते हैं भगवत भजन को। इस प्रकार से जगते हैं तो भगवान को जगाने की पात्रता अर्जित करने के लिए। यहाँ सब कुछ भगवद अर्थ है, भगवान से जोड़ के सनातन धर्म में व्यवहार है। बालक को बाल गोपाल कहते हैं, बालिका को जगदम्बा का अंश कहते हैं, बहुत ऊंची बात है। पति को परमेश्वर कहते हैं, पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ सब कुछ भगवद अर्थ है, इसलिए सनातन सिद्धांत में एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा यह क्षमता है। पद्म पुराण अग्नि पुराण के अनुसार एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक क्रिया के दो अर्थ फल। चलो सखी तह जाइए जहाँ कृष्ण को राज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। बहुत अच्छा है, गोरस की बिक्री भी हो जाए और इसी बहाने कन्हैया छल सविले नटनागर प्रियतम श्री श्याम सुंदर का दर्शन भी है जाए, बढ़िया है। तो यहाँ भी प्रत्येक चेष्टा का पर्यवसान योगक्षेम की दृष्टि से, लौकिक उत्कर्ष के लिए भी, पोषण के लिए भी, और विनियोग परमात्मा की प्राप्ति में। बहुत ऊंचा सिद्धांत, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। बहुत अच्छा, मानव जीवन का उत्कर्ष क्यों है? यह जो स्थूल शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसमें क्या दिव्यता है? इसके बाह्य हिस्से में, भाग में, पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में, अंदर के हिस्से में, प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय को, प्राण पंचक को, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। समग्र लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान मानव शरीर है, एक तो यह विशेषता है। लेकिन कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ, अंतःकरण और प्राण तो वृषभादि में भी, बैलादि में भी हैं, परंतु यहाँ विशेषता क्या है? भगवत श्रवण मनन ध्यासन के अनुरूप बल और वेग से यह सूक्ष्म शरीर संपन्न है, यह विशेषता है इसमें। इसीलिए ज्ञानायतन, कर्मायतन, भोगायतन तीनों क्षमता से युक्त हमारा जीवन है। भोगायतन भी है, कर्मायतन भी है, नया कर्म भी कर सकते हैं और प्रारब्ध का भोग भी भोग सकते हैं, और ज्ञानायतन भी है। हमने हिंदू राष्ट्र सम्मेलन अधिवेशन में कहा था कि
बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं ज्ञान और कर्म के आधार पर ही उनका व्यवहार चलता है। ज्ञान और कर्म को हटा दें तो प्राणी की प्राणी ही संज्ञा नहीं है। प्रज्ञा शक्ति से ज्ञान की, प्राण शक्ति से कर्म की सिद्धि होती है। कौशीतक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के संवेद स्वरूप से जीवन की सिद्धि है। स्थावर प्राणी तरुलता गुण मित्यादि जिनको उद्भिज्ज कहते हैं, इनमें अंतर्निहित ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति है। मनुस्मृति महाभारत श्रीमद्भागवत आदि में विस्तार पूर्वक यह तथ्य सिद्ध किया गया। और देश के लाडले लाल जगदीश चंद्र बसु ने यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर इस तथ्य को ख्यापित किया। विवेकानंद जी की शिष्या बहन निवेदिता, जिसको भारत में कहते थे, वो आयु में जगदीश चंद्र बसु से 10 साल छोटी थी। लेकिन जगदीश चंद्र बसु जब पत्र लिखते थे तो माँ कह के लिखते थे, ये भारतीय संस्कृति है। वो तो साथ देती थी, लेकिन अंग्रेज जगदीश चंद्र बसु के टांग खींचते थे। जगदीश चंद्र बसु जी के टांग खींचने वाले अंग्रेज थे। किसी भारतीय को यह से न मिल जाए, बहुत विचित्र बात। जितनी कलाएं हैं, जितनी विद्याएं हैं, सबका उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र हैं। 32 विद्या 64 कला का वर्णन उपलक्षण विधा से शुक्र नीति में है। अब वो चोरी किए हुए जो चोरी की हुई सामग्री जिनके द्वारा चुराई गई, उनका प्रयास होता है कि भारत किसी क्षेत्र में आगे न बढ़ जाए ज्ञान और कला के क्षेत्र में। बहुत विकट बात। इस पर ध्यान देना चाहिए। असल में अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ देश है। दमन और कूटनीति, नमन दमन मिलन, अंग्रेजों के बहुत विचित्र, उनकी कूटनीति का पार पाना कठिन। अंग्रेजों में नमन दमन मिलन तीनों क्षमता थी। तीनों का उपयोग करके वे हिंदुओं को हर प्रकार से अपकृष्ट मार्ग पर ले जाना चाहते थे। अंग्रेजों के दूत भूत इंजेक्शन लेकर घूमते थे मुजफ्फरनगर आदि में। हृष्ट पुष्ट जो सांड दिखता था उसको इंजेक्शन के द्वारा क्या करते थे, मार देते थे, ताकि इनके गोवंश हृष्ट पुष्ट ना हो सकें। इस प्रकार से हमारे मान बिंदुओं को नष्ट करने का, विकृत करने का प्रयास किया। फिर जर्सी सांड गाय इस ढंग से दूषित भी किया, विकृत भी किया, विलुप्त भी किया। और विकास की ऐसी परिभाषा भारत में ला के रख दी कि हर व्यक्ति वर्ण संकर हो जाए, हर व्यक्ति कर्म संकर हो जाए। विकास के नाम पर विनाश का मार्ग, अभी तक कोई ऐसे स्वस्थ हृदय वाले प्रभावशाली राजनेता भारत को नहीं मिले जो अंग्रेजों की कूटनीति को परख करके बहुत ही अंतर्निहित योजना के बल पर उस पर पानी फेर सकें। भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने के लिए कोई स्वस्थ कदम उठा सकें। कुछ ऐसी बात कल भी कई 2-3 दिनों से हम कह भी रहे हैं कि योग, अब योग का उत्कर्ष योगा योगा, इसमें भी बड़ा बवाल मचा। योग की इतनी महिमा गाई गई कि 108 व्यक्ति उत्तराखंड आदि में योग का प्रशिक्षण ले चुके युवक, और उनको योग अध्यापक के रूप में विद्यालयों में स्थान नहीं मिला। अब योग को गाली देते हैं, योग के प्रचारकों को गाली देते हैं। नौकरी छोड़ दी, योगाभ्यास करते करते 108 प्रशिक्षित हो गए। विद्यालयों में योगाभ्यास के लिए उनको वेतन भोगी अध्यापक बनाया नहीं गया। योग के नाम पर भी बड़ा विप्लव चल पड़ा। लेकिन योग की विशेषता, कल मैंने संकेत किया कि महाभारत के शांति पर्व में योग
प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता से है। आगम को मानने वाला योग दर्शन है, लेकिन उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब दृष्ट फल के पक्षधर हैं। दृष्ट फल इनके द्वारा प्राप्त है। एक विचित्र तथ्य है, अंतर्निहित उपयोग परलोक को सार्थक करने में परमात्मा की प्राप्ति में हो, और प्रत्यक्ष उपयोग किसमें हो, व्यवहार में, चमत्कृति में हो, जीवन में चमत्कृति में हो, पूरा विश्व लट्टू हो जाएगा। प्यास लगने पर पानी आस्तिक नास्तिक सब पीते, पानी तो पीना ही पड़ेगा। भूख लगने पर भोजन तो करना ही पड़ेगा, भूख की निवृत्ति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि, पुष्टि की अभिव्यक्ति और तृप्ति, ये भोजन के तीन फल हैं। पानी पिएंगे तो प्यास की निवृत्ति होगी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण परिपुष्ट होंगे और अंत में तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो दृष्ट फल के प्रति आकृष्ट होना स्वभाव है, परांचिखानी व्यतिन स्वयं भू है। तो ऐसी बात है कि इस ढंग से धर्म को आजकल ख्यापित करने की आवश्यकता है योग शैली में, कि दृष्ट फल भी व्यक्ति को मिले। इसीलिए पुत्रेष्टि याग कारिरी याग इन सब का वर्णन भी है या नहीं कर्मकांड में। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग स्वनाम धन्य निरंजन देव तीर्थ जी कारिरी याग करवाते थे, तत्काल वर्षा शुरू हो जाती थी। तो लोगों को आस्था होती थी, कई जगह तीन तीन साल से अकाल पड़ा था, उन्होंने कारिरी याग करवा के वर्षा करा दी। और जब वो ये प्रधानाचार्य थे जयपुर में महाराजा कॉलेज में या कहाँ, तब संपूर्णानंद जी राज्यपाल थे, कुछ गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने शेन याग करवाया था। दाक्षिणात्य जो अग्निहोत्री हैं उनके माध्यम से चीन ने घुटना टेक दिया था। ये सब गुप्त बात है। संपूर्णानंद जी ने एक संकेत किया कि नेहरू नास्तिक हैं, ये बिल्कुल ईश्वर आदि को नहीं मानते। चीन जिस ढंग से भारत की सीमा में घुस रहा है वो भारत को खा जाएगा, अब कोई चारा नहीं रह गया। हमारे एक सहपाठी अब होंगे ही भगवत कृपा से जीवित, कोई संपर्क नहीं रखते तो हमें क्या संपर्क की जरूरत है। विनोदानंद झा दिल्ली कानपुर में बस गए होंगे, वो गन फैक्ट्री कानपुर में सेवा देते थे, अब रिटायर हो गए होंगे, हो ही गए होंगे, हमसे 2 साल बड़े ही होंगे। उन्होंने बताया कि चीन ने आक्रमण किया तब नेहरू जी आए निरीक्षण करने, तो लोगों ने कहा निशस्त्रीकरण के चपेट में सुई भी बनना बंद है आपकी कृपा से। तो संपूर्णानंद जी ने कहा ये तो देश को मरवा देंगे, प्रधानमंत्री नास्तिक शिरोमणि हैं, शेन याग हो। शेन याग का फिर अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उसका यजमान हो सकता है। शत्रु मारन के उद्देश्य से शेन याग होता है, लेकिन समष्टि हित चीन घुटना टेक दे तो शेन याग करवाया। तो हमारे पूर्वाचार्य जी ने कहा धन कहाँ से आएगा, पंडित जी सरकार की ओर से 1 रुपया नहीं दे सकते, हम बंधे हुए हैं, नास्तिकों की सरकार है, वो धन भी आप अपने चताइए। तो पूज गुरुदेव ने प्रेरणा देकर धन इकट्ठा करवाया, शेन याग किया गया। शेन याग के द्वारा फिर चीन पीछे लौटने के लिए बाध्य हो गया। ये सब गुप्त बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, कर्म कांड में भी, उपासना कांड में भी, और ज्ञान कांड तो कहा कहना ही क्या, देह सद्य फल प्रकट प्रभाव तीनों कांडों में, और योग में तो उच्छलित रूप से
दृष्ट फल भी जब प्राप्त होता है तो अदृष्ट फल के प्रति व्यक्ति का आकर्षण होता है। पूज्य गुरुदेव ने हमसे एकांत में कहा, अंतर्यामी ठहरे हुए, उन्होंने कहीं से भांप लिया होगा हमारे जीवन का सूक्ष्म दृष्टि संशीलन करके। उन्होंने कहा, सुनो, अगर कोई लौकिक उत्कर्ष, मारण मोहनचाटन के लिए नहीं, लौकिक उत्कर्ष के लिए कुछ साधन पूछे तो शास्त्र सम्मत उपाय बता देना चाहिए, ना तो अपनी खुदाई का वर्णन करना चाहिए। मेरी कृपा से सर आशीर्वाद, इससे अहंकार होता है, तपस्या क्षीण होती है। और उपेक्षा कर दोगे आर्त अर्थार्थियों की, बहुत अच्छा तथ्य भगवत पाठ शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष में अभिव्यक्त किया, बहुत ऊंचा तथ्य। आप रजोगुणियों को निष्काम नहीं बना सकते, जब तक रजोगुण का तांडव नृत्य उसके जीवन में है, निष्कामता को उपदेश मत दीजिए। जो सर सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरेत, तो फिर अगर आप निष्कामता का उपदेश देंगे तो शास्त्र विधि का मर्यादा का परित्याग करके वो निषिद्धाचरण के द्वारा भी अपनी कामना की पूर्ति करेगा। उसको छेड़िए मत, सकाम रहने दीजिए, शास्त्र सम्मत विधा से कामना की पूर्ति का उपदेश कर दीजिए। उसको निष्काम बनाने चलेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। हम बहुत पहले कहा करते थे, बहुत से विरक्त बाबा, विरक्त मंडली, उन लोगों को व्यसन हो गया, जिस किसी को बरगला के घर छुड़ा के बाबा बना देना, सन्यासी बना देना, व्यसन हो गया, बता लिया, इससे बड़ा उपद्रव हुआ क्या। अरे हर व्यक्ति सन्यास के मार्ग पर चलने के लिए थोड़े उत्पन्न हुआ है। वैराग्य का आवेश, वैराग्य तो बहुत बढ़िया है, वैराग्य के आवेश में व्यक्ति बहुतों को प्रवृत्ति मार्ग के जो अधिकारी हैं इधर ला के खत रख देता है, उनका जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए वैराग्य का आवेश नहीं, भक्ति का भी आवेश नहीं। अरे क्या अग्निहोत्र में लगे हो, अरे भगवान का कीर्तन करो, हो गया, ये वेद पाठ से क्या होगा। वैदिक मार्ग से कीर्तन के नाम पर भी च्युत करने वाले हो गए ना, भक्ति का आवेश, भूतावेश, प्रेतावेश ऐसे, और ज्ञान का आवेश, बस सबको जिसको देखो ठोक दो महावाक्य, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि का अनुवाद किया पंजाबियों ने, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, पाई जी की गल है, दसो असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। इससे काम नहीं चाहिए, वैराग्य का आवेश नहीं चाहिए, विरक्त चाहिए। वैराग्य का आवेश होगा तो अधिकारियों को विरक्त बना देगा, माने अंदर से अनुरक्त बाहर से विरक्त। इसलिए फिर क्या कहा पूज्य गुरुदेव ने, उनको जब शास्त्र सम्मत अनुष्ठान बताओगे उनकी कामना की पूर्ति होगी, उनकी कामना की पूर्ति होगी तो शास्त्र में आस्था होगी, तो शास्त्र में जब आस्था होगी तो शास्त्र में जो निष्काम कर्म का वर्णन है, कामना युक्त व्यक्ति कर्म को छू ले तो उसी का नाम सकाम हो जाता है। भगवान भाष्यकार ने भगवद गीता के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया, बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में भी सत्य को उद्भाषित किया। सकाम व्यक्ति जिसको छू लेगा, कोरोना का मरीज अगर मालपुआ रबड़ी कचौरी को भी छू लेगा और जलाशय में भी स्नान कर लेगा तो वहाँ भी अपना। एक बार हम ब्रज की पैदल यात्रा कर रहे थे, किसी ने कहा कि बाबा ये जो सरोवर है, नाम भूल गया, बहुत महात्म्य है, होगा ग्रंथों में। हमने स्नान किया, एक ही कटिबस्त्र था, एक पहने हुए थे, उसमें जो हमारी दुर्दशा क्या हो गई मालूम है, जुएं जो होते हैं लीक, सैकड़ों लग गए कपड़े में, कोई लीक वाला व्यक्ति या माही दाही ने स्नान किया होगा
दिव्यता तो क्या जुओं से बिल्कुल कपड़े कपड़ा फेंक देना चाहिए, अब कपड़ा फेंक देते तो फिर के नंगे रहते क्या, कपड़े आदि का तो अभाव रहता था। चिन्मयानंद जी साथ में रहते थे, उनको नहीं मालूम होने दिया, हमारे साथ वो जाते थे, उनको वस्त्र मिलता था, उनके पास पांच पांच सात सात कट वस्त्र होते थे, हमारे पास फिर इन लोगों का भी ध्यान रखते थे। एक कट वस्त्र ढाई साल तक वो फटा हुआ हिस्सा इधर करके स्वामी अखंडानंद को मालूम पड़ता तो एक थान कपड़ा भिजवा देते, किसी को मालूम नहीं कि इनके पास दो ही कट वस्त्र है, उसमें एक कट वस्त्र आधा फटा हुआ है। बड़ी विचित्र बात, हो एक डेढ़ घंटा हमको लग गए कपड़े से जुओं को हटाने में। इसका अर्थ क्या हुआ, दिव्य पदार्थ को वस्तु को भी प्रमादी व्यक्ति अदिव्य बना देते हैं। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, यह संकेत किया कि मानव जीवन का उत्कर्ष किस बात को लेकर है, इस बात को लेकर है कि लौकिक उत्कर्ष भी इसमें है, पारलौकिक उत्कर्ष भी है। तो लौकिक उत्कर्ष होने पर व्यक्ति का शास्त्र के प्रति आस्थान्वित होना स्वाभाविक है, फिर पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर भी वो शरय शरय चलने लगता है। गौड़पादाचार्य महाभाग ने बहुत विचित्र तथ्य मांडुक्य कारिका के माध्यम से अभिव्यक्त किया, वैदिक मार्ग पर शास्त्रीय मार्ग पर चल रहे हैं कोई, सकाम हो निष्काम हो मत छेड़िए, चलते चलते गंतव्य तक पहुँच ही जाएंगे। शास्त्रीय मार्ग पर कोई चल रहा है, अर्थ है, अर्थार्थी है, कोई बात नहीं, वो चलते चलते एक दिन निष्काम हो ही जाएगा, सही मार्ग है उसका। साथ शास्त्रीय मार्ग का अनुमन करने वाला कोई भी अर्थ ही क्यों ना हो, अर्थार्थी क्यों ना हो, उसको निष्काम बनाने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, हम लोगों को पपीता जिसको उड़िया में कहते अमृत भांड, आम, इन सब की परख, अब तो बाग में घूमना फिरना भी कमर में दर्द होने के कारण, दिन रात ग्रंथ में लगे रहने के कारण, अनुसंधान करने के कारण, विविध विज्ञान और गणित पर भाव व्यक्त करने के कारण, नहीं तो पपीता को देखकर मालूम पड़ जाता है कि इस समय अगर पपीता को तोड़ लेंगे तो उसके रस में कोई विकृति नहीं आएगी, पकने के कगार पर है, उससे कुछ रस निकलता है, वो धागे का रूप, चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। उससे परख है कि वृक्ष से लगभग 95% पोषण इसने ले लिया, वृक्ष में ही रहने देंगे तो बंदर कौवा बहुतों के भोग्य हो जाएंगे, हमारे पेट में पहुंचना नहीं है। ऐसे आम की भी परख है, आजकल तो कच्चे आम कृत्रिम विधा से बिल्कुल विष बना करके बाजार में ले आते हैं, लोग समझते हैं बस नई फसल है और विष विषाक्त पदार्थ है। हम लोगों को आम की भी परख आम वृक्ष से ले लेते थे पाल पर, फिर उसको 10 दिन बाद जो आम पकता 10 दिन पहले ले लेते थे, तो उसमें रस में रस के परिपाक में न्यूनता नहीं आती थी। दो प्रकार की बात हो गए, वृक्ष से जितना पोषण लेना चाहिए उतना पोषण लगभग ले लिया, तो नारद जी इसके पारखी थे, दक्ष के पुत्रों को विरक्त ही बना दिया, विवाह के लिए योग्यता प्राप्त करने की भावना से तप करने गए थे, बाबा बना दिया, दक्ष ने बेचारे को श्राप भी दे दिया नारद जी को। हाँ, कहीं कहीं नारद जी दक्ष के द्वारा शापित होने पर भी शाप गति बांधी, शाप को स्तंभित करके समाधि लगा लेते हैं, नहीं तो अधिक समय टिक नहीं सकते एक जगह। तो उनको परख कि निवृत्ति के सन्निकट जो व्यक्ति है उसको अगर विरक्ति का उपदेश दे देंगे तो च्युत नहीं होगा, योग मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगा। या जैसे वृक्ष में आम है, अमरूद हैं, पपीता हैं, जिनको परख होती है कि रस का परिपाक हो गया,
अब रस का परिपाक हो जाने पर वहीं पक कर गिर जाए तो मनुष्य के मुँह में जाए या ना जाए चकनाचूर हो जाए तो तोड़ लेते। इसी प्रकार से यहाँ पर यदा ही नेन्द्रियार्थे सुन कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ऐसे जो पारखी हैं कि योगारूढ़ होने के सन्निकट पहुँच गए उनको कर्षित कर लेते नारद जी जैसे व्यक्ति, लेकिन जो योग के नाम पर आगे चल के भ्रष्ट हो जाएंगे, भोगा भ्रष्ट बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए जीवन में, योगा भ्रष्ट भी नहीं, अर्थात योग की परख होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को निवृत्ति का उपदेश देने पर निवृत्ति मार्ग पर यह सुगमता पूर्वक चल सकता है। बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ पिंडिया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। यह कबीरदास ने भी योगा भ्रष्ट का वर्णन किया है। श्रीमान के कुल में जो जन्म लेने वाले योगा भ्रष्ट हैं शाश्वती समाह स्वर्गलोक में दीर्घकाल तक रहने के बाद पुण्य का क्षय हो जाने पर मृत्युलोक में आते हैं, शादी विवाह के झमेले में भी बहुत वर्षों तक पड़ जाते हैं। उसके बाद योगा भ्रष्ट योग के जो संस्कार होते हैं, अरे तुम कहाँ, तुम इस मार्ग के पथिक नहीं, हठात ला करके योग पर आरूढ़ कर देते हैं। यह है प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट वो हैं अथवा योगिना में वह कुले भवती धीमता, यह कहा गया। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम अर्थदम अध्रुवम है तो क्या है तो अध्रुव नश्वर ही है, फिर कलयुग में तो क्या कहना। अर्थदम माने परमार्थ की सिद्धि में समर्थ भी है, अगर इसका ठीक से उपयोग किया जाए तो परमार्थ की सिद्धि भी हो सकती है। नश्वर जीवन का उपयोग अनश्वर परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना, यह बुद्धि वैभव है, विवेक का समादर है। यथा ही पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूता नाम प्रिय आत्मेश्वर स्फुरित नारायण। यथा हि पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर स्फुरित। भगवान कौन है, प्रिय है, आत्मा है, ईश्वर है, स्फुरित हैं, किसके, एक व्यक्ति के, सर्वभूतानां सबके। भगवत शरणागति भगवान के श्री चरणों की, यहाँ विष्णु शब्द का प्रयोग है, इसी से चिरता थे हिरण्यकश्यप नाम से, भगवान विष्णु के पाद की चरण कमलों की शरणागति जीवन की सार्थकता है, सफलता है। भगवान ही शरण क्यों हैं, रम्य क्यों हैं, भजनी क्यों हैं, कमनी क्यों हैं, वर्णी क्यों हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है, यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया। यत एष सर्वभूतानां प्रियः आत्मा ईश्वर सुहृत, इन दिव्यताओं के कारण भगवान शरण्य हैं। उपास्य कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया उपास्य कौन होगा। ऐसे ही व्यष्टि अभिमान से युक्त व्यक्ति देवता भी उपास्य नहीं हो सकते, यहाँ तो देवों के देव भी भगवान हैं। सर्वभूतानां प्रियः, भगवान सब प्राणियों के प्रिय हैं। प्रिय क्यों हैं, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं। सबके आत्मस्वरूप भगवान हैं इसलिए प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ने चोरी की, ब्रह्मा जी भी चोर हैं, कोई लाला कन्हैया ही नहीं, माखन चोर ही नहीं। भगवान की कुछ मृदु लीला देखने की भावना से ब्रह्मा जी ने चोरी की। क्या चोरी की,
ग्वाल वाल जो बछड़े को चलाते थे, बछड़े के सहित ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया, कहीं जाके सुरक्षित रख दिया, अन्न जल की व्यवस्था कर दी। अब भगवान ने सोचा है द्वारिया अब क्या होगा, भगवान ही फिर क्या हुए, ग्वाल बाल बन गए, काली कमलिया लकुटिया बसुरिया सब बन गए, जितने बछड़े थे सब बन गए। बढ़िया, जिस रंग के जो थे वैसे ही, कोई उसमें नकली 100 नोट रुपये का नोट नहीं कि पारखी पर रख लें। अब यहाँ लिखा है रामचरितमानस में, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, वहाँ बलराम जी ने भी यह मरम नहीं जाना, बड़ा विकट। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करेगा कन्हैया, ये भगवान क्या करेंगे, तो भगवान ही सब बन गए, वैसे काली कमलिया वैसे ही लकुटिया वैसे ही आकृति तैसे रूपशील सुबनीता जैसे कहा गया है, कोई भेद ही नहीं, हाँ एक भेद। तो वो जब गोपियाँ थी अपने बच्चे को जो गोचारण करने के बाद आते थे, बहुत लाड़ प्यार से बच्चे को चूमती थी, बहुत सम्मान करती थी, और गायें जो हैं अपने बछड़ों को भी बहुत लाड़ प्यार से देखती थी, लेकिन गायों का उनका जो सचमुच में बछड़ा था बछिया थी वो तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे, यहाँ तो श्री कृष्ण ही हो गए थे, ऐसा अद्भुत प्रेम जो अपने बच्चों के प्रति सचमुच में नहीं था, वो ऐसे ही माताओं का, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, माताओं माताएं तो वही थीं लेकिन बच्चे कौन थे, श्री कृष्ण ही हो गए थे। इतना प्रेम बलराम जी ने देखा कि ये गायों का विकट विचित्र अद्भुत आकर्षण अपने बछड़ों के प्रति है, बच्चियों के प्रति है, ऐसे है ये जो ये हैं गोप बधूटी अपने बच्चों के प्रति, ये क्या है, ये तो आत्मा ही, आत्मा के प्रति इतना आकर्षण हो सकता है, अन्यों के प्रति नहीं। एक होते हैं युक्त योगी, दूसरे होते हैं युंजान योगी, युक्त योगी को सदा भान होता है, युंजान योगी ध्यान करें तो रहस्य का ज्ञान हो जाता है। सती जो की न सब जान लिया कृष्ण शिव जी ने, वहाँ विष्णु भगवान को युक्त योगी के रूप में श्री कृष्ण भगवान विष्णु को प्रस्तुत किया गया है, शिव जी को युंजान योगी के रूप में। सती ने कछु न की परीक्षा लिए गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई, सती ने जो कुछ किया था सब जान लिया कृष्ण, यहाँ युंजान योगी के रूप में शिव जी को रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया। तो बलराम जी ने समझ लिया कि ये कन्हैया की सब करतूत है, और ब्रह्मा जी ने सोचा लो हमने चोरी भी कर ली। अब कुछ वहाँ बाल बांका नहीं सबके सब, फिर वो ब्रह्मा जी ने आके स्तुति की, बढ़िया ब्रह्मा जी ने आके स्तुति की, भगवान ने कोई उत्तर दिया क्या, इंद्र ने वर्षा की थी भगवान की, एक विचित्र बात है, जिसकी प्रार्थना पर भगवान ले जन्म लेते हैं वो भी परीक्षा लिए बिना नहीं छोड़ते। ये मत समझे कि जिसके अनुरोध पे शंकराचार्य बने हैं वो फिर कचूमर नहीं निकालेंगे। ये कल्पना नहीं करनी चाहिए, संसार का नियम है। इंद्र थे या नहीं, सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वास गए विरंच के धामा, तो ब्रह्मा जी ने ये परीक्षा ले ली इंद्र ने, तो बस जब पूजा भगवान ने बंद करा दी, गोवर्धन की पूजा करवा दी, तो प्रलय मचा दिए। तो जिनकी जिनकी प्रार्थना पर भगवान प्रकट होते हैं वो भी फिर परीक्षा लेने में कोई कोर कसर नहीं रखते। निर्गुण रूप सुलभती सुगम सुगमती सगुण न जाने कोई, यह है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि भगवान सबके आत्मा स्वरूप हैं,
आत्मा में सर्वाधिक प्रीति का होना स्वाभाविक है। यदि सर्वभूतानां प्रियः आत्मा है ईश्वर भी या सुहृत, गीता के 5वें अध्याय में भी सुहृत शब्द का प्रयोग हुआ है। उप प्रत्युपकार की इच्छा रखे बिना जो अपनी ओर से हित ही करता जाए उसका नाम सुहृत। एक कोई नैमिषारण्य में था व्यक्ति, नाम वाम भूल गया, मेरे पास रुपये तो होते नहीं थे, ईंट को तोड़ तोड़ के मंजर बना के करता था, सब आँट दाते हैं बिल्कुल बिकट हो गई, किसी से 2 रुपया मांगता नहीं था, 1 रुपया। और महाराज ऐसे थे कि 1 रुपया कभी देते नहीं थे, 1 फल उठा के उन्होंने नहीं दिया कभी, और हमने 1 फल नहीं मांगा। ये आ गए राष्ट्रपति महोदय, बढ़िया आज का ड्रेस बढ़िया है, ये कर्नाटक से आए होंगे महात्मा जी, पंडित जी, ठीक नारायण। तो हमने क्या संकेत किया, तो ये जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो भक्त होते ही हैं, जिनके प्रार्थना पर भगवान जन्म लेते हैं वे भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान जब लीला करने लगते हैं तो उनको भी संदेह होता है जिनकी मैंने प्रार्थना की थी वही ये हैं या और कोई है। निर्गुण रूप सुगम अति, निर्गुण की निष्ठा कठिन है, निर्गुण को समझना सुगम है, माया का योग न होने के कारण वक्रता उसमें नहीं है ना, सत चित आनंद, न राग न द्वेष कुछ नहीं। निर्गुण को समझना सुगम है, निर्गुण की निष्ठा दुर्गम, और सगुण को समझना बहुत कठिन है, उसमें माया की वक्रता है। सगुण भगवान जब लीला करते हैं तब ये वही हैं, ये परख पाना, जिनके कहने पर अवतार लेते हैं भगवान उनके लिए भी कठिन हो जाता है, मैंने जिसकी प्रार्थना की थी वही हैं ये और कोई और है, कोई और तो नहीं है। इसलिए आत्मा फिर ईश्वर भी हैं, भगवान सबके स्वामी हैं। असुरित का अर्थ हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा निमिषारण्य में, पैसे से तो हमने कोई मदद की ही नहीं होगी, क्या मदद की ये भी नहीं। पूर्वाचार्य महाराज कहते थे किसी को देख के भूल जाओ और किसी का उपकार करके भूल जाओ, कोई अपकार करे तो उसको भूल जाओ, उपकार करे कोई तो याद रखो, महाराज कहते थे तो उपकार करे तो याद रखो, अपकार करे तो भूल जाओ, किसी का उपकार करके भूल जाओ बदले में कुछ मत चाहो। उसने क्या कह दिया, आपने मेरी मदद की, मैं सुरक्षित हूँ, भगवान करे कि आपके ऊपर वही विपत्ति आवे, मैं काम दे सकूँ विपत्ति में। दिक्कत ही था कोई। यहाँ सुहृत, सुहृत का अर्थ होता है, सुहृत माने प्रत्युपकार की इच्छा रखे बिना अपनी ओर से हित, बदले में यह क्या देगा या नहीं, बदले में यह क्या देगा या नहीं। प्रहलाद ने कह दिया आप हमको बार बार कह रहे वर मांगो नृसिंह जी, तो मैं कोई बनिया हूँ। भगवान को उपासना किया तो भगवान बदले में यह देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ समझ सोच के ही कह रहे होंगे। बढ़िया कहा प्रहलाद जी ने, कि वणिक लोग जो होते हैं, हाँ मैं स्नान घर से लौटा नवशंका का त्याग करके ट्रेन में, एक कोई व्यक्ति आ गया, उसने कहा महाराज मैं बनिया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो स्वामी जी थे मैं ही था और कोई तीसरे नहीं रहते थे। बनिया जो है गोबर का स्वभाव, बनिया का स्वभाव एक जैसा होता है, क्या होता है भाई, गोबर जहाँ गिरता है कम से कम वहाँ की मिट्टी को तो अपने में लपेट ही लेता है। हम वैसे हैं, हम तो व्यापार करने जा रहे हैं, आप तो पुरी तक जाएंगे, हम भुवनेश्वर उतर जाएंगे, तो मैंने सुना कि आप शंकराचार्य हैं, वो तो स्नान घर के बाहर ही घेर लिया उसने। तो हमको कुछ ऐसा बताइए, ऐसा बताइए कि व्यापार में लाभ हो। हम तो बनिया हैं, हम तो बाबा हों कोई भी हो सबसे लाभ उठाते हैं, बनिया गोबर का स्वभाव एक जैसा होता है,
गोबर जहाँ गिरेगा वहाँ की मिट्टी को अपने अपना लेगा। तो व्यापार में तो जा ही रहे हैं, कुछ और बता दीजिए हमारे भाग्य रेखा कैसी है क्या है। ये नहीं सुहृत, सुहृत माने लिखे, इसलिए क्या लिखा होता है, एक ओर शुभ दूसरी ओर लाभ, यहाँ अशुभ और हानि का प्रवेश नहीं है, ये ना शुभ और लाभ, यहाँ अशुभ का प्रवेश नहीं है और हानि का प्रवेश नहीं है। भगवान ने क्या कहा, हानि लोगे हानि, गीता हानि लोगे हानि, अब बाबा बाबू सब मौन, आखिर बाबाओं को भी मठ की हानि हो जाए, चेले की हानि हो जाए, शरीर की हानि हो जाए, हानि तो पसंद नहीं है। भगवान गली गली फिरते रहे, बाबाओं के यहाँ फिरते रहे, हानि लोगे हानि, कोई हानि करे। भगवान ने कहा हम हानि ही देंगे, लेकिन ऐसी हानि देंगे जो लिए बिना नहीं रहोगे। रोचक बना के कह रहे, गीता में वचन क्या है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सर्व दुखा नाम हानि ही, सर्व दुखों की हानि लोगे, अब सब कर हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। केवल हानि कह देते तो कोई लेता, हानि हानि लोगे हानि, उधर शुभ है इधर लाभ है, अशुभ लोगे अशुभ ना, और यहाँ लाभ, हाँ सर्व दुखा नाम हानि, ये तो किसको पसंद नहीं है। ऐसे ही अब वियोग को ही भगवान ने योग सिद्ध कर दिया, साहित्यिक भाषा, तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। भगवान ने कहा वियोग लोगे वियोग, बाबा भी चुप बाबू भी चुप, किसका वियोग भाई, चेले का चेली का शरीर का। भगवान ने कहा ऐसा वियोग जो सबको पसंद है, सर्व दुखा नाम हानि, और यहाँ तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग कौन नहीं चाहेगा, ये साहित्यिक भाषा है। हानि भी सबको पसंद है और वियोग भी सबको पसंद है, सीधे हानि कोई चाहेगा, सीधे वियोग कोई चाहेगा, बाबा हो या बाबू, लेकिन भगवान का चातुर्य है इस ढंग से हानि परोसा कि सबको हानि पसंद, ही ढंग से वियोग दिया कि सबको वियोग पसंद। सुहृत माने सुहृत, सुहृत का अर्थ हुआ प्रत्युपकार की भावना के बिना ही हित करने वाला। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, गीता दूसरा अध्याय, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम छठा अध्याय, गीता 5:6-2 पढ़िए, 5वां अध्याय 6वां अध्याय दूसरा अध्याय। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः, बहुत अच्छा कहा है दैत्यो। गाली है क्या प्रहलाद ने कहा दैत्या, स्वयं भी दैत्य थे, कौलिक नाम है ये, गाली नहीं है, आजकल गाली है, कौलिक नाम है ना, द्वितीय के वंश में मातृ प्रधान नाम, क्या कौशल्यानंदन मातृ प्रधान, दशरथ नंदन पितृ प्रधान, दोनों नाम चलता है, सौभद्रेय सुभद्रानंदन, द्वितीय माने दैत्य माने द्वितीय के वंश में, द्वितीय के वंश में जन्म लेने वाले दैत्य हो गए। ऐन्द्रियक सुख जो है विषयेन्द्रिय संयोग से प्राप्त होने वाला सुख, जिस किसी योनि में जीव का जन्म होता है वहाँ प्राप्त हो ही जाता है, यथा दुखम अयत्नता है, दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न न करने पर भी अवसर आने पर दुख मिल ही जाता है, ऐसे ही प्रारब्ध जब अनुकूल होता है तो प्रयत्न न करने पर भी सुख मिल ही जाता है, जो पहले से ही सुनिश्चित है उसी के लिए जीवन यापन करना, सारी शक्ति लगा देना, जीवनी शक्ति प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का समग्र उपयोग करना बुद्धिमत्ता है या ज्ञता। नारायण श्री राम, जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, गौहत्या, भारत, हर हर